नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। पूर्वी चंपारण जिला में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहां अब मौत का तमाशा सा दिखने लगा है। एक तरफ मोतिहारी पुलिस पूरे जिले में घूम घूम कर पुलिस आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है, तो दूसरी ओर अपराधी आए दिन पुलिस को चैलेंज देकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इस जिले में अब अवैध हथियारों का जाल बिछ गया है। ताजा मामला शहर के नगर थाने से महज 500 मीटर दूरी पे घटित हुई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े नगर थाना क्षेत्र के व्यस्ततम गायत्री मंदिर के पास ठेकेदार कुणाल सिंह को गोलियों से भून दिया, जिसके बाद मौके पर ही कुणाल की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग हॉस्पिटल चौक पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। सड़क पर आगजनी कर सबको रोड पर रखकर जाम कर दिया। मुफस्सिल और छतौनी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया। इसके भाई, इनके पिताजी को भी मार दिया गया है, छोटे भाई को भी मार दिया गया। ये लड़का के एक साल पहले शादी हुई थी, दो साल पहले शादी हुई थी, और इसको भी मार दिया गया। अब तो इसकी न माँ को कोई पूछवैया है, न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। अपने मने शांतिपूर्वक से सब बंद कर दी गई है। प्रशासन से मांग है कि इसकी न्याय की जाए और शांतिपूर्वक हमारी न्याय दिलवाया जाए। 3 घंटा हो गया है थाना से 100 डेंग के दूरी पर, लाखों लोग मरेगा हॉस्पिटल चौक पर, इसका क्या न्याय करेगा? क्या कारण हम लोग को खुद पता नहीं है। दुश्मनी इससे इसको कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इससे दुश्मनी नहीं है।